एवरीवन, आज हम आपके साथ में चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके से हमने चिकन फ्राई बनाया है। ये देख सकते हैं गाइस, कितना करारा और जूसी है ये। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। चिकन को हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 3 चम्मच हम मैदा डाल देंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं गाइज, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, कम से कम 2 घंटे। ये देख सकते हैं गाइज, इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, एक एक पीस करके इसमें डाल देंगे। अब ये देख सकते हैं गाइस, इसी तरीके से हमने सारे पीसेज इसमें डाल दिए हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाते रहेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से अंदर से पक चुका है। इसका कलर से पता लगा सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे से ये अंदर से पक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं गाइस, हमने इसको एक प्लेट में कर लिया है। ये चिकन फ्राई बन के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइए।